अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। वे 3 बार सांसद रह चुके हैं। वे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव भी राजनीति का जाना माना चेहरा हैं। साथ ही अखिलेश को सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सेफई गांव में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के यहाँ हुआ। इनके पिता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव का विवाह डिंपल यादव के साथ 24 नवंबर 1999 को हुआ था। अखिलेश 3 बच्चों के पिता हैं, जिनमें 2 लड़कियां अदिति और टीना और 1 लड़का अर्जुन है। इनकी पत्नी सांसद हैं और वे कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश ने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की। उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है, जहां से उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की है। पेशे से वे एक इंजीनियर, कृषक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अखिलेश को फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में गहरी दिलचस्पी है। उनके पसंदीदा काम संगीत सुनना और फिल्में देखना है। घर पर उनको प्यार से बुलाने वाला नाम टीपू है। अखिलेश यादव अपने पिता के साथ पार्टी के कार्य में मदद करते थे, लेकिन इन्होंने एक सांसद के तौर पर मई 2009 में लोकसभा उपचुनाव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा, जिसमें अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी SPS बघेल को 67,301 मतों से हराया। इसके अलावा वे कन्नौज से भी जीते। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद की सीट से त्यागपत्र दे दिया और कन्नौज की सीट अपने पास रखी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें प्राप्त की। इसके साथ ही मात्र 38 वर्ष की आयु में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री बनाए गए। 2 मई 2012 को अखिलेश ने 15वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा काउंसिल के सदस्य बन गए। जुलाई 2012 में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके कार्य की आलोचना करते हुए व्यापक सुधार का सुझाव दिया, तो जनता में यह संदेश गया कि सरकार तो पिता और चाचा चला रहे हैं, अखिलेश नहीं। उनकी सरकार को दूसरा झटका तब लगा जब एक IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने पर चारों ओर से उनकी किरकिरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नागपाल को खुद ही बहाल करना पड़ा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 43 व्यक्तियों के मारे जाने व 93 के घायल होने पर कर्फ्यू लगाना पड़ा तथा सेना ने आकर वहां पर काबू किया। मुस्लिम व हिंदू जाटों के बीच हुए इस भयंकर दंगे में उनकी सरकार की कड़ी आलोचना हुई। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट मांगे और राज्य से कम्युनल शक्ति को हटाने का प्रयास किया। फिर भी समाजवादी पार्टी चुनावों में जीत नहीं सकी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। यूपी के 2014 में सपा ने 23% वोट शेयर जीता था और 5 सीटें जीती थीं। वहीं 2019 में पार्टी का वोट शेयर 4% गिर गया और 17% पर पहुंच गया। पार्टी 5 सीटें जीतने में तो सफल रही। मैनपुरी में संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और पार्टी की प्रतिष्ठा बचा ली। मुलायम ने मैनपुरी में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भाजपा के प्रेम सिंह साके को 94,000 मतों से हराया। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ को 2,60,000 वोटों से हराया।